आशीर्वाद। टोटल फाइव तीसरा आज बहुत हर्ष के साथ 2011 के बाद इस फोर बिहार बटालियन के अंतर्गत 2x4 कंपनी से कैडेट ऋतिक कुमार का RDC रिपब्लिक डे कैंप जो गणतंत्र दिवस परेड होना है दिल्ली के अंदर, उस परेड में इनका संभावित सिलेक्शन है। संभावित मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस कैंप को लॉन्च कैंप जाने के लिए 30 तारीख को जाना है और हमारे यहाँ से ये आज ये मूव कर जाएगा, तो इसलिए हम इनको संभावित से भी सूचित कर रहे हैं। और इस कॉलेज की ओर से और इस कंपनी की ओर से इनको एक रैंक देकर यहाँ से सम्मानित किया जा रहा है और इनके गणतंत्र दिवस परेड में चयनित होने की शुभकामना भी व्यक्त करता है। साथ में अभी इनका जो रैंक लगना है वो अंडर ऑफिसर का रैंक लगेगा और ये 2x4 कंपनी की दूसरी रैंक लग रही है अंडर ऑफिसर की। एक अभी अनमोल कुमार चल रहे थे, दूसरे ये अंडर ऑफिसर ऋतिक कुमार। तो मैं आग्रह करूंगा प्राचार्य महोदय से और साथ में NCC पदाधिकारी दोनों आदमी से कि इनको रैंक देकर सम्मानित किया जाए। ऋतिक कुमार NCC यानी नेशनल कैडेट कोर निश्चय ही भारतवर्ष की गरिमा को बरकरार रखने के लिए यह संस्थान वर्षों से काम कर रही है और क्षेत्रीयता के स्तर पर भी NCC ने बड़ी भूमिका निभाई। पिछले दिनों जब पूरा भारतवर्ष कोरोना से ग्रस्त था तब NCC और NSS दोनों के माध्यम से समाज को की खूब सेवा हुई, सेवा दी गई। और हरि सिंह महाविद्यालय की जहाँ तक बात है, NCC के कारण इस महाविद्यालय का गौरव बढ़ा है। हालांकि NCC यहाँ वर्षों से है, हाल के कुछ वर्षों में विशेषकर NCC ऑफिसरों के द्वारा हमारे प्रदीप जी हैं, प्रदीप जी के माध्यम से भी NCC के कैडेटों का अच्छा मार्गदर्शन हुआ है और वे लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं। कई प्रकार के कैंप राज्य के अंदर भी और राज्य के बाहर भी, उसमें लगातार बच्चों को भेजते रहते हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। और अभी ऋतिक कुमार जिसका संभवतः सिलेक्शन RD कैंप के लिए हो जाएगा ऐसा पूरा विश्वास है, तो इसके लिए महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लगातार आगे बढ़ें और सफलता हासिल करते रहें। हवेली खड़गपुर का, महाविद्यालय का और बिहार राज्य का नाम रोशन करें। एक बार पुनः ऋतिक कुमार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेत विसर्जन